हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो शाम का टाइम है दोस्तों, आज कबूतरों को खोला है। तो सुबह तो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, फिर इस टाइम तो बारिश बंद हो चुकी है। तो देख तो आप, ये ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, सुबह हल्की फुल्की ऐसी बूंदाबांदी हुई थी। तो ये देख सकते हो, इनको दाना पानी डाल रखा है मैंने। और ये दिखाई दे रहा बच्चा था वाइट वाला, ये पंजाबी मलवाई बच्चा है। इसको जो माँ बाप है उनको नीचे रखता हूँ, अलग रखता हूँ उनको। और उन्हीं के बच्चे करवाने मेरे को, 8-10 बच्चे हो जाएंगे, फिर उनको टुकड़ी बना के उड़ाऊँगा। तो ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे ये देख सकते हो, ये लाल वाली मादी ने, यहाँ पे पौधे बहुत खाते हैं, पौधों का हरी पत्तियाँ बहुत खाते हैं, ये परेशान कर रखा है इन्होंने। ये देख सकते हो, ये दो बाज, ये देखो यहाँ पे लाल वाला, और एक ये इसका नर। तो इनको दाना पानी हो गया पूरा। ये वाली फेवरेट है, ये वाली लाल वाली। और इसके साथ जो मेल लगा हुआ है, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मेल थोड़ा टेढ़े में हल्का, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ब्रीडिंग करता है, उसको भी दिखा देता हूँ। जो पहला बच्चा निकला था, जब मैं अपने निकला था, मैं जहाँ से लेकर आया था ना, उस भाई ने बताया था ये बच्चा उसी का है। देखिए तो इसका कलर अलग निकल गया, लेकिन पूरा माँ पर गया ही है, पर इसका कलर अलग है। देख सकते हो ये, और पीछे यहाँ घूम रहे हैं सारे। और ये हरा दिख रहा है, हरा ये मद्रासी है, ये हरा इसके साथ मादिन ये वाली है इसके साथ ये, और ये फुल वाइट पंजाबी मलवई है। तो इन्होंने अंडे दे दिए, देख सकते हो आप, ये एक अंडा इन्होंने रख दिया है आज, एक कल, फिर कल अंडा नहीं देंगे, परसों अंडे दे देंगे। तो बहुत दिन हो गए थे, 15-20 दिन अंडे नहीं दे रहे थे, तो अंडे देंगे। तो इन्होंने फाइनली अंडे दे दिए, इसी जोड़े ने दिए हैं। वाइट वाली फीमेल है, नीचे वाला मेल है। तो ये मद्रासी है, और ऊपर जो फीमेल है वो पंजाबी है। तो देख सकते हो आप ये, तो इनका बच्चा दिखाया था, इनका बच्चा कैसे निकला था, जो मैं घर पर नहीं निकला था, जहाँ से लेके आया था वहाँ पे उसका बच्चा ऐसा निकला था। ये देख सकते हो, ये नहीं है, जो रेड के पास पीछे खड़ा है ना, ये वाला बच्चा है, जो रेड के पीछे दो बाज बच्चा ऐसा निकलेगा, पिछली बार निकला था। तो देख सकते हो यहाँ पे, ये भी दो बाज ही है, लाल वाली का, दोनों दो बाज है, लेकिन ये पाँव मोज है। देख सकते हो आप, इसके पाँव में कितने पैर हैं इसके, एक दाने के लालच में ना ये आ रहे हैं, इसी में लेके आता हूँ। ये छोटा जगह ना, इसी में लेके आता हूँ, बुलाऊँगा तो आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो आ रहे हैं। ये नर से लाल वाले का नर ये है, हल्का टेढ़े में देख सकता हूँ, गर्दन देखोगे ना पता चलेगा। ये देखो यार, मुंडी टेढ़ी करके खाता है ये। ये देखो पौधे इतना परेशान कर रखते हैं, पौधे में जाते हैं, मट्टी खाते हैं, हरी पत्तियाँ खाते हैं, इनको भगाना पड़ता है, पौधे ख़राब करते हैं। ये देखो ये वाला, ये मोटा सा दिख रहा है ना, यही है टेढ़े में, और इसका बेटा ये है, ये नर निकलेगा ये। तो दोस्तों देख सकते हो, मेरे को ये इनका शौक़ ज़्यादा नहीं है, मेरे को वाइट कबूतरों का, पंजाबी कबूतरों का शौक़ है, फुल वाइट जो होते हैं बेदाग कबूतर। तो पिछली बार एक अंडा ख़राब हो गया था, तो एक ही बच्चा निकला था। ये देखो इसको भगा रहा है, इसने एक अंडा रख दिया, फिर भी भगाया जा रहा है, अंदर बैठने के लिए कह रहा है ये। तो बहुत कई दिनों से परेशान करता था, फाइनली इसने अंडा दे ही दिया, 7-8 दिन हो गए परेशान करते हुए। ये देखो इनको दोबारा बुलाता हूँ, आ जाओ। देखो ये लाल वाली आ रही है फीमेल, ये देखो ये पाँव मोच है, बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। ऐसे बच्चे हो जाए ना, और लाल लाल रंग के, इस बार देखो कैसे निकलते हैं अंडे देती है। तो ये इसी का बच्चा है, ये भी, ये देखो ये दो बाज बच्चा है, ये जिसने अंडे रखे हैं ना उनका ही बच्चा है। लेकिन ये बच्चा मेरे पास नहीं हुआ था, जहाँ पहले रहते थे जिस घर पे वहाँ पे हुए थे। ये देखो, तो ये भी यहाँ पे नहीं हुआ था। ये देखते हो आप, तो अगर कुछ सवाल ववाल पूछना चाहते हो कबूतर से रिलेटिव, बर्ड से रिलेटिव, बजीज से रिलेटिव, तो मैं बता दूंगा। और नहीं आएगा तो भी बता दूंगा, नहीं आता मेरे को, आता होगा तो बता दूंगा, आता है नहीं आता तो नहीं बता दूंगा, नहीं आता। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। तो डेली एक वीडियो भी डालता हूँ, अपने बर्ड को दिखाता रहता हूँ। और अगर कुछ बताना चाहते हो, कौन सा बर्ड लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ, नए कबूतर कौन से लेकर आने चाहिए, तो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो मेरा मेन कबूतर है वो नीचे रखे हैं मैंने, इनके एक ही जोड़ा है, वो पंजाबी मलवई का, ये वाइट वाला दिखाई दे रहा है ना, इन्हीं के माँ बाप है, उनको ऊपर नहीं लिखाता मैं। और सही से बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो उनको फाइनली मैं दिखाऊंगा।